और चलिए उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं आपको, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएम, आपको सुनवाएंगे। कि जनता उससे कैसे लाभान्वित होने जा रही है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यह विशेष प्रेस वार्ता जहां पर मैंने आहूत की है। जैसा कि आप जानते हैं, कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अमृत काल का यह पहला बजट प्रस्तुत किया है। इस देश ने 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव तक इस 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल के रूप में संबोधित करते हुए अमृत काल की और आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष में हम कैसा भारत चाहते हैं उससे पूरे देशवासियों को जोड़ने का आह्वान किया था। और आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण से जोड़ने की बात की थी। पंच प्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है जो समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, वनवासी समुदाय और समाज का वो प्रत्येक तबका, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है। और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। यानी इस तरह से भारत की परिकल्प, भारत ने अपनी पूरी व्यवस्था को मार्गदर्शक के रूप में सप्तऋषियों के रूप में लिया है। वे सप्तऋषि भारत की व्यवस्था के आधार शिल्पी रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में भारत की सनातन परंपराएं पली बढ़ी आगे, वैश्विक मंच पर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। ऐसे ही सप्तऋषियों ने भी यही मार्गदर्शन में सारे कार्य हुए थे और सप्तऋषि के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए सात महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी एक समावेशी विकास का मॉडल खड़ा करना, रीचिंग द लास्ट माइल यानी अंत्योदय की परिकल्पना, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अगले 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने का कार्य हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए सालाना इस पे खर्च होता है। यह भी इस योजना का एक, इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम 2013-14 की तुलना में भारतीय रेल के बजट को देखें, इसमें 2,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है। हाईवेज के बारे में देखेंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटरवेज आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है। और